सकारात्मक सोच। ये कहानी उस जमाने की है जब लॉकडाउन नहीं था। चैनपुर से धन्नाराम और मन्नाराम अपना सामान पास के शहर में लगे हाट बाजार में बेचने निकले थे। धन्नाराम हर पहलू की ओर सकारात्मक सोच रखते थे, जबकि मन्नाराम नकारात्मक। यानी धन्नाराम हर चीज में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते थे, जबकि मन्नाराम बुरा। पहली बस निकल जाने के कारण आज हाट में जाने में देर हो चुकी थी। दोनों दूसरी बस का इंतजार कर रहे थे और अचानक बरसात होने लगी। मन्नाराम सर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, काणी के ब्याह में 17 रोड़े, यानी पहले ही बड़ी मुश्किल है और उस पर और दिक्कत। पर धन्नाराम ने अपने स्वभाव के अनुसार मुस्कुरा कर कहा, अच्छा हुआ बारिश हो गई, अब हम देर से भी पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बाजार को लगने में भी देर हो ही जाएगी। पर मन्नाराम अपने दोस्त की बात को अनसुना कर घर वापस चला गया और कह गया, इतनी बारिश में बस नहीं आने वाली, रुकेगी तो आ जाएंगे। पर धन्नाराम वहां रुका रहा और थोड़ी देर बाद बारिश कम होने पर बस आई और धन्नाराम उसमें बैठ कर शहर आ गया। इधर मन्नाराम भागता भागता बस स्टॉप की तरफ आया, लेकिन तब तक बस जा चुकी थी। 2 घंटे बाद अगली बस में बैठकर मन्नाराम भी शहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पूरा बाजार लगभग भर चुका है और उसे अपनी दुकान लगाने की जगह नहीं दिख रही थी। वहीं धन्नाराम सबसे अच्छी जगह पर दुकान लगाकर बैठा था। अपने मित्र को देखकर धन्ना ने कहा, आजा मेरे साथ ही अपनी दुकान लगा ले, मेरा माल वैसे भी लगभग खत्म होने वाला है। पर मन्नाराम के मन में उसके स्वभाव के अनुसार फिर वही नकारात्मक ख्याल आने लगे। इसकी किस्मत अच्छी है, मेरे तो कर्म ही फूटे हैं। और एक कोने में जाकर अपनी दुकान लगा ली और सर पकड़कर बैठ गया। जब खाने का समय हुआ तो धन्नाराम ने अपना टिफिन निकाला और खाना खाने लगा। मन्नाराम चूंकि जल्दी जल्दी में टिफिन लाना भूल गया था, तो वह फिर से अपनी किस्मत को दोष देने लगा। धन्नाराम ने मन्नाराम से साथ में खाने का आग्रह किया। आजा, आज तेरी भाभी ने बेसन के गट्टे भेजे हैं, मन्नाराम ने कहा, और बेसन से मेरा पेट खराब होगा, फिर मैं इधर उधर शौचालय के चक्कर काटूंगा और तुम अपना सामान बेच के निकल जाओगे। मन्नाराम ने खाने से इनकार कर दिया। इस तरह मन्नाराम अपनी नकारात्मक सोच के कारण भूखा भी रहा और अपना सामान भी नहीं बेच पाया। वहीं धन्नाराम खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। सीख: अच्छे जीवन और अच्छे व्यापार के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है।